हिमाचल प्रदेश पर प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर है और इसकी सुंदरता बनाए रखना ये सब हम सब का काम है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मनाली से कल्पना ठाकुर विशेष तौर से पर्यावरण को स्वच्छ करने की दृष्टि से जो प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करके और उसके साथ साथ में प्लास्टिक का उपयोग कम हो इसलिए इसके लिए बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही हैं और मैं उनके इस प्रयास इस प्रयत्न के लिए इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से चाहे वो संस्था के साथ किसी के साथ में जुड़ करके जिस प्रकार कल्पना जी काम कर रही हैं और हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ बनाने की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहेगा, लाभदायक रहेगा और इस प्रयास की मैं बधाई देता हूँ। इस प्रयास के लिए मैं बधाई देता हूँ उनको और मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास करने के लिए सब लोगों को आगे आना है। मनाली की कल्पना ठाकुर ने अपनी अच्छी सोच की बदौलत कचरे को ही एक नई शक्ल दी जो अब घर को सजाने। मनाली पहुंची अदाकारा दीप्ति नवल कल्पना ठाकुर के इस काम से काफी प्रभावित नजर आई और उनका कहना था कि इस काम में सबको जुटना चाहिए। क्लीनलीनेस, एनवायरमेंट एंड दिस होल एस्पेक्ट ऑफ कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस चीज को किस तरह से हम आगे उसको उसका रीयूज कर सकते हैं, वो बहुत एक्साइटिंग है। उसमें तो बहुत से लोगों को जुड़ जाए। बंधन आज दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि इससे जहां पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है वहीं बीमारियां भी फैल रही हैं। लेकिन मनाली की कल्पना ठाकुर के लिए यही कूड़ा कचरा जहां कमाई का साधन बन गया है वहीं पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। ये है मनाली की कल्पना ठाकुर जो कूड़े के ढेर में पड़ी चीजों को खूबसूरत कलाकृति में तब्दील करने में माहिर है और 21 साल से इसी विषय पर काम कर रही है। कल्पना ग्लैमर फील्ड में मिसेस हिमाचल, मिसेस इंडिया और मिसेस एशिया इंटरनेशनल टूरिज्म सरीखे के खिताब अपने नाम कर चुकी है और फिर कल्पना ने अपनी पहचान एक पर्यावरण प्रेमी के तौर पर बनाई। इसके बाद उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का रास्ता चुना। करने का जुनून हो तो वो मुमकिन हो ही जाता है और ये सच कर दिखाया है कल्पना ने, जिन्होंने अपनी कल्पना को हकीकत बनाने के लिए जिंदगी के 21 साल दे दिए। मैं तो ऐसे ही हूँ और ऐसे ही रहूंगी।